देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने वार्ड नंबर 29 के सफाई कर्मी गुनीराम जी से झंडा तोलन कराकर समाज को एक संदेश देने का काम किया है। देश की आजादी में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए हैं और अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको नमन करते हुए दलित समाज को प्यार स्नेह और सम्मान देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह कोरोना योद्धाओं में स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस प्रशासन, मीडिया कर्मी के साथ साथ इन सफाई कर्मियों का योगदान रहा है, इतिहास कभी भी इन्हें भूल नहीं सकती। इस अवसर पर अमन नमाज, खुशहाल खान मोहम्मद, आरजू दस्तगीर अंसारी, मोहम्मद खुदस, नौसाद अहमद, अशोक पंडित, सिकंदर राम, विष्णु राय, डॉक्टर वारिस इरशाद, मास्टर फैयाज अहमद आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। कोरोना योद्धाएं जिन्होंने कोरोना काल में सफाई में कोई कमी नहीं छोड़ा, इसीलिए आज हमारे तमाम मोहल्लेवासी ने, तमाम बच्चों ने, जो भी लोग थे, सब लोगों ने, अमन बाबू हो, खुशहाल बाबू हो, फैयाज बाबू हो, प्रसाद बाबू हो, शाह बाबू, जिन लोगों ने, सबका ये फैसला हुआ कि क्यों नहीं हम लोग देश की आजादी का झंडा तोलन अपने सफाई अधिदर्शन से करवाएं, जो दलित में आते हैं और जो सफाई के लिए हमेशा पूजा रहते हैं, इसीलिए आज हम लोगों ने उनको सम्मान करके ये कहा कि नहीं, आज का झंडा तोलन आप करेंगे, चूंकि देश की आजादी में और कोरोना के टाइम में जो आपने काम किया उससे हम लोग आपसे बहुत खुश हैं और ये चाहेंगे कि आज का झंडा, जो स्वतंत्रता दिवस का झंडा तोलन है, वो आप करें। आप दलित भी हैं और हम लोग दिल से आपका सम्मान करते हैं, इसीलिए उनसे झंडा तोलन करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अब्दुल सलाम खान जिला अधिकारी। मुन्ना खा के बेटा है, नाम क्या है बेटा, नाम बताइए। चलो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? कल धूप मार दिया हमको, एकदम ही नहीं हुआ। नाम का नाम कुछ बताइए, हाथ पकड़िए बेटा, बुढ़े भाई बेटा,